इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली, उनका जो कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेथड है वो आपको पता ही है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा वो जो अपोजिट चार्ज वाला है उसको अट्रैक्ट करेगा और सेम चार्ज वाला है उसको रिपेल करेगा। तो उसी को लेके यहाँ पर एक तरह से हमने जो एप्लीकेशन बनाई हुई हैं, तो सबसे पहले है फ्लू एश प्रिसिपिटेशन। तो फ्लू एश प्रिसिपिटेशन में क्या है, बेसिकली ये यूज़ होता है जो इंडस्ट्री या हमारा जो पावर प्लांट हैं उनकी जो चिमनियों में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो फ्यूल है, चाहे कोल हो, चाहे आपका डीजल हो या पेट्रोल हो या कोई अलग तरह का फ्यूल हो, वो सब बर्न होने के बाद उसमें से जो कंबशन होता है, उसमें बर्न होने के बाद उसमें कुछ गैसेज निकलती हैं और साथ में स्मोक के पार्टिकल भी। तो जो टाइनी टाइनी पार्टिकल हैं स्मोक के, ये हमारे जो इन्वायरमेंट में, जो हमारे इन्वायरमेंट में उसमें आते हैं और वो हमारे जो हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें भी, सांस के अंदर भी जाते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये चिमनी का है अंदर का, ठीक है, तो उसमें हमने क्या लगाया हुआ है, उसमें एक हमने नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड लगाई हुई है। तो ये जाली है मेटल की और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो जितने भी जिसमें जो स्मोक के पार्टिकल आते हैं, सही है, स्मोक के पार्टिकल या ऐश के पार्टिकल, आप उसको राख बोल सकते हैं ना, तो जो पार्टिकल आते हैं तो वो सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ऊपर दो ये पैरेलल प्लेट लगी हुई हैं, ठीक, तो पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस पे आता है दोनों पे, और ये यहाँ पर ट्रे हैं, ठीक है, जहाँ पर ये जो ऐश पार्टिकल हैं या स्मोक पार्टिकल हैं वो यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं। तो अब ये उड़ क्यों रही है, पहले ये समझो कि जब आप उसको हीट अप करोगे तो जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो भी एयर के साथ, ये जो गैसेस हैं उनके साथ ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो ये भी उड़ने लगते हैं। तो इनको पहले इसको नेगेटिव चार्ज किया इन सारे पार्टिकल को, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो पॉजिटिव जो प्लेट हैं ये उस पर अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हो ये नेगेटिवली चार्ज जो आए, ये मतलब जो हॉट गैसेस थी उनके साथ जो स्मोक पार्टिकल आए, है ना, जैसे कि कोई अगर आपने कोई स्मोकिंग करता है तो उधर वो धुआं जो है उसमें उसमें कई सारे हैं, उसमें गैसेस भी हैं और उसमें स्मोक पार्टिकल भी मोस्टली होते हैं। तो ये स्मोक पार्टिकल हैं और उसको नेगेटिवली चार्ज किया और उसके बाद यहाँ पर इसमें पॉजिटिव प्लेट पे वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे अट्रैक्ट करते रहते हैं और ये यहाँ पर कलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होके तो एक लिमिट होगी अट्रैक्शन होने के बाद, उसके बाद ये सब फिर यहाँ पर ये नीचे गिरने लगेंगे, जो हॉट गैसेस हैं उनके साथ अभी उड़ना बंद कर देंगे और ये यहाँ पर नीचे आने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह उसको कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ट्री का इसको फिर उनको यूज़ कर लेते हैं, या तो सीमेंट बनाने में या कुछ इस तरह का, ठीक। तो अभी नीचे एक और जो है इसको नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो चाहे फ्लू ऐश प्रिसिपिटेटर हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर हो, दोनों बात एक ही हैं, ठीक। तो यहाँ पर अलग तरह से है ये जो चिमनी है, तो हमारे यहाँ जो पावर प्लांट है एनटीपीसी, एनटीपीसी की आपने चिमनी देखी होगी, जनरेटर की देखी है आपने, तो यहाँ पर भी ये इसको कंट्रोल करने के लिए कि जो टाइनी पार्टिकल हैं वो ना जाएं, सिर्फ गैस, प्योरली जो गैस हैं वही इन्वायरमेंट में जाएं और बाकी जो पार्टिकल हैं, जो स्मोक पार्टिकल हैं, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में ना जाएं। तो स्मोक पार्टिकल बेसिकली क्या है, ये कार्बन पार्टिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर वही, यहाँ पर नीचे ये वाला जो है इसमें यहाँ पर ये एक ग्रिड है, मेटल ग्रिड जो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये सारे जो ग्रिड है ये सब नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। तो ये वाली जो ग्रिड है ये हमारी है सब नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये जितने भी हमारे स्मोक पार्टिकल हैं इन सबको नेगेटिवली चार्ज कर रही है, तो इन पे भी चार्ज आ रहा है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर जो लगाया हुआ है, स्मोक पार्टिकल आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज कलेक्टिंग प्लेट, तो ये पॉजिटिव चार्ज कलेक्टिंग प्लेट है, ये पॉजिटिव है, तो जो हमारे अपोजिट चार्ज हैं, सही है, तो जब भी ये आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे इसको क्या कर देते हैं, इधर से बाईपास करा देते हैं, तो यहाँ पर ये कलेक्ट होते रहते हैं और ये नीचे गिरते रहते हैं, ठीक है। जब ये उसके जो जो हॉट एयर है उसके उससे अलग कर लेते हैं उसको, और उसके बाद फिर ये क्या है, ग्रेविटी की वजह से ये सब नीचे गिरने लगते हैं, तो नीचे गिरते हैं, इसको यहाँ पर एक ट्रे है उससे उसको कलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ट्रे में। तो यहाँ से जो निकलेंगी जो हमारी गैस हैं वो जो वेस्ट गैस विदाउट स्मोक पार्टिकल, ठीक। तो इस तरह से हम उसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लेज़र प्रिंटर एंड फोटोकॉपियर मशीन, जो जीरोक्स कॉपी मशीन है उसका एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो प्लेट है ये बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये फोटो सेंसिटिव है। तो जो भी हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करते हैं, तो स्कैन मशीन जो है फोटो कॉपी है जो जीरोक्स मशीन है उसमें एक स्कैनर भी होता है, तो ये स्कैन करके ये इसकी एक इमेज बनाएगी, फ़ोटो इमेज, ठीक है। और इस इमेज को प्रोजेक्ट करेंगे इस प्लेट पे, तो उसके ऊपर लाइट भी पड़ती है, सही है। तो जहाँ पर ये जो डार्क है, तो यहाँ पर क्या है, वो डार्क वाला जो है उस पर वो जो लाइट है वो उस पर पड़ती नहीं है, और बाकी जो ट्रांसपेरेंट है इधर वाला जहाँ पर ये फिजिक्स का जो इमेज है नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो लाइट पड़ती है। तो लाइट पड़ने से क्या होता है, वो जो चार्ज है इस पॉजिटिव प्लेट का चार्ज वो सब रिमूव हो जाता है, और जहाँ पर डार्क एरिया है सिर्फ वहाँ पर ही चार्ज रहता है। तो यहाँ पर चार्ज है तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, सही है। तो फिजिक्स का जो है ये इमेज है, इसको प्रोजेक्ट किया इस पर, और इस पर क्या है, अब सिर्फ वहाँ पर चार्ज बचा जहाँ पर सिर्फ हमारा ये जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ था, जैसे फिजिक्स है, ठीक है। तो बाकी का चार्ज जो जो लाइट है उसके आने से वो क्या हो गया, वो सब लीक हो गया, ठीक है, या कंपनसेट हो गया, ठीक। उसके बाद जो नेगेटिवली चार्ज, अब जो टोनर है ना, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, तो नीचे देखो, तो यहाँ पर ये जो प्लेट थी इसको हम बोलते हैं ड्रम, जो प्रिंटर में एक होता है ड्रम, है ना। तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और फोटो सेंसिटिव होती है। तो फिर उस पर क्या किया, इस पर प्रोजेक्ट कराया, तो जहाँ पर भी ये डार्क वाला है वहाँ पर ये चार्ज रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, जो डार्क वाला है इस पर जो प्रोजेक्ट कराते हैं, और जो तो डार्क वाले पे क्या है बेसिकली उस पर लाइट प्रोजेक्ट लाइट आएगी ही नहीं नीचे, और जो हमारा ये जो ट्रांसपेरेंट है ना, तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती है, तो नीचे आती है तो वहाँ चार्ज खत्म हो जाता है, और जहाँ पर नहीं आती है वहाँ पर ही चार्ज रहता है। फिर उस चार्ज पर क्या करते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज जो उसमें टोनर है जो इंक है उसको नेगेटिवली चार्ज है वो, तो नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो प्लेट पे जो जो जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज ब्लैक, सही है। तो अब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, अभी इस पर टोनर समझो, इस पर कोई इंक नहीं लगी है, वो सिर्फ यहाँ पर चार्ज है, और ये नीचे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब इस पर इंक जो नेगेटिव चार्ज इंक है तो वो इस पर क्या हो जाएगी, स्टक अप हो जाएगी, है ना, इससे चिपक जाएगी, तो चिपकेगी तो इस तरह का ये नेगेटिवली चार्ज ब्लैक ये लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे ही नेगेटिव चार्ज जो इंक है वो इससे क्या हो गई, अट्रैक्ट हुई और इस पर ये स्टक हो गई, चिपक गई, ठीक है। तो चिपकने के बाद अब इसके ऊपर पेपर लगाते हैं, ठीक है। तो पेपर को यहाँ पर, द पेपर इज प्लेस्ड ओवर द कोपिंग प्लेट टोनर एंड ट्रांसफर टू द पेपर एंड हीटेड टू मेक इट स्टिक। तो उसके बाद क्या करते हैं, एक ब्लैंक शीट जो पेपर की है ना, उसके ऊपर इसको स्टिक करते हैं, और उसके बाद प्रेस करते हैं और उसको फिर हीट करते हैं। जब पेपर को हीट करते हैं तो जो ये पाउडर जो इंक है, जो टोनर का जो इंक है ना, तो ये क्या है, ये मेल्ट होती है और ये स्टिक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टिक हो गई, और उसके बाद उसको रिमूव कर लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पर फिजिक्स। तो जो फोटोकॉपियर मशीन है या जीरोक्स कॉपी जो मशीन है उसमें ये वाला स्टेप चलता है, और जो लेज़र प्रिंटर है जो कंप्यूटर जो प्रिंटर का जो है उसमें ये वाला स्टेप नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्कैन कॉपी है, स्कैन किया और उसके बाद ये इसकी इमेज बनी, और इस इमेज को प्रोजेक्ट किया इसके ऊपर, है ना, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। तो वहाँ पर क्या है, जो जो कंप्यूटर वाले जो हैं वो कंप्यूटर अपने आप ही, ठीक, तो उसका जो कंप्यूटर कंट्रोल जो लेज़र स्कैन है वो अपने आप ही वो उसको इमेज बनाता है, तो उसको अलग से इमेज बनाने की, स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी है और वो इमेज उसी के अकॉर्डिंग बनाता है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको ज़रूरत नहीं है समझने की, बस ये समझो कैसे इसकी वर्किंग हो रही है, ठीक। तो ये सेम बस उसको ही समझाया है कि किस तरह ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट को हमने इस पे जो इमेज है उसको इसको प्रोजेक्ट कराया, और जहाँ पर भी जो इमेज में जो ब्लैक वाला है वहाँ पर कोई भी जो लाइट है नहीं गई, और जहाँ पर लाइट पहुँची वहाँ पर वो चार्ज क्या हो गया, हमारा लीक हो गया, ठीक है। तो चार्ज वहाँ पर रिमूव हो गया,
तो जहाँ पर चार्ज बचा पॉजिटिवली, वहाँ पर फिर नेगेटिवली इंक जो है उसको स्प्रेड किया, तो वहाँ पर ही वो स्टक होगी जहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट, उसके बाद इसको पेपर लगाते हैं और उसको हीट कर देते हैं। तो हीट करने के बाद क्या होता है, ये जो इंक है ये पेपर पे जो स्टिक हो जाती है ना, और बस उसके बाद हमारा जो उसका जो आउटपुट है वो हमारा एज ए फोटोकॉपी की शेप में या प्रिंटर या प्रिंट की शेप में वो हमारा आ जाता है। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, अब इसको इसकी वर्किंग समझते हैं। एक यहाँ पर ये तो ये हिटाची का है, हिटाची की वेबसाइट पे है, तो यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली जब जिसको देख रहे हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, तो जो करेक्टर वगैरह आता है वो इसी के कितने पिक्सल, आप कभी ध्यान से देखेंगे जो इंकजेट वाला है वो पिक्सल में पॉइंट 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 डॉट 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 इस तरह से मिलके वो पिक्चर बनती है, ठीक है। जो फिजिकल जो प्रिंट होके आता है वो पिक्सल में, तो बाकी देखो जो हमारा कंप्यूटर है जो सॉफ्ट कॉपी बनती है, जो सॉफ्ट कॉपी है वो सारा वो सब पिक्सल में ही है इमेज। जो कैमरा भी है वो मेगा पिक्सल का होता है, तो वो डिजिटल कॉपी अलग चीज़ है। यहाँ पर ये जो ड्रॉप है वो पिक्सल है यहाँ पर, ठीक है। तो उस पिक्सल से इमेज बनती है जैसे ये बन रहा है, तो ये इंकजेट प्रिंटर इस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर ये इंक है और इंक को यहाँ पर ये पंप है इंक का, तो इंक को लेके इसको पंप करते हैं, सही है। और ये यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर वगैरह इन सबको छोड़ो, तो यहाँ पर क्या है, ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन से क्या करता है, ये नोजल जो है वो ड्रॉपलेट निकालता है, ड्रॉप बनाता है, सही है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब सारी एक समान ड्रॉप बनाता है। उसके बाद कोई करेक्टर आता है, तो करेक्टर सिग्नल का आते ही तो वो उन पार्टिकुलर जो इंक है उसको वो चार्ज करता है। तो इसमें ये देख रहे हो उसमें एक ब्लैक है और जो ब्लू है वो वापस इसमें आ रही है, तो ये गटर है ना। तो गटर का मतलब जब उसको जो अनयूज़ है, क्योंकि जब आप पेपर पे बहुत सारी चीज़ें आप लिख रहे हो तो उसमें भी स्पेस भी देते हो, तो कंटिन्यूसली वो चलता रहता है और किसको चार्ज करना है किसको नहीं वो डिसाइड होता है, ठीक। तो जिस जहाँ पर भी उसको चार्ज करना है तो वहाँ पर ये उसको चार्ज करेगा और वो आ जाता है हमारा ब्लैक ब्लैक की फॉर्म में, और जो अनचार्ज हैं वो सब ब्लू की फॉर्म में है। फिर यहाँ पर है डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। तो कैसे उसको हमें जैसे ई बनाना है, यहाँ पर ई बन रहा है, तो कैसे उसको हमें रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको वो पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करती जाती है, तो यहाँ पर वोल्टेज दी जाती है। तो ये स्टैटिक वोल्टेज है, तो स्टैटिक वोल्टेज पहले इसको क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कितना डिफ्लेक्ट करना है उसके हिसाब से इस पर चार्ज आता है, सही है। तो यहाँ पर अगर आया है तो यहाँ पर कम चार्ज है, फिर सबसे ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा चार्ज है तभी वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक। और जो ज़रूरत नहीं है जब उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं तो वो सारी सारी इंक जो है वो पेपर की जगह वो गटर में कलेक्ट होती है और उसके बाद वापस जो हमारा रिजर्वेयर है, ठीक है, उसमें ये जो बोतल है चार्ज इंक की उसमें वापस ये आ जाती है। तो इस तरह का वर्किंग है। तो अब सिंपल आते हैं इस पर, इधर आते हैं। तो इंक रिजर्वेयर है इधर, ठीक है। तो ये बोतल है, इसको पंप करते हैं, यहाँ से ड्रॉपलेट जनरेट करता है और ये करेक्टर फॉर्म करता है, ठीक है। करेक्टर जनरेटर का मतलब है ये कितने पिक्सल का करेक्टर बनेगा उतनी उन ड्रॉप को, ठीक है, उसको वो क्या करता है, चार्ज करता है। और ये डिफ्लेक्शन प्लेट है, इसको कैसे उसको नीचे लाना है कैसे ऊपर लाना है ये सब, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन प्लेट जो यहाँ पर इनका स्टैटिक चार्ज है उससे ही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उसको ऊपर प्लेट को पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर जाएगा, अगर ये नेगेटिव बन रहे हैं ड्रॉपलेट, अज्यूम करो अगर ये नेगेटिव बना रहे हैं तो इसको हमें एच प्लॉट करना है। तो जब इसको सेंटर में प्लॉट करना है तो इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये सेंटर पे स्ट्राइक करेगा। इसको ऊपर ले जाना है तो ये इसको यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा, जितना ऊपर ले जाना है उतना ज़्यादा इसको पॉजिटिव प्लेट बनाएगा, जो ऊपर वाली प्लेट है उसको उतना ही ज़्यादा इसको पॉजिटिव करेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे ही फिर नीचे वाली है, नीचे लाना है तो ऊपर वाले को इसको अनचार्ज कर देंगे और नीचे वाले को फिर चार्ज करेंगे, तो जितना पॉजिटिव करते जाएंगे उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है। इधर करना है उधर करना है, तो जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है यहाँ पर दो ही लगाई हुई हैं, तो ये सिर्फ कंट्रोल करेगी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर हमें अप एंड डाउन का मतलब है वर्टिकल एक्सेस पे, अगर हमें हॉरिजेंटल एक्सेस पे कराना है तो दो प्लेट और पैरेलल लगानी पड़ेंगी, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करेंगी उसको हॉरिजेंटली उसमें। तो यहाँ पर सिर्फ एक बताने के लिए है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है और ये इस तरह से इसको अप डाउन मूव करानी है, तो अप डाउन की जगह इधर इधर भी मूव कराना है। पेपर मोशन भी है, तो हो सकता है पेपर मोशन से उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर गटर, जो
अनयूजिंग है वो सब कहाँ पर आती है, गटर में, वो कलेक्ट होकर वापस रिजर्वर में आ जाती है। ठीक है, और ये है जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज़। ठीक, बाकी एक जो कार को जो पेंटिंग करते हैं, है ना, कार को पेंट करते हैं, तो वो मशीन में भी वहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज़ है। ठीक, उसको इंक को नेगेटिव बनाते हैं और कार को पॉजिटिव बनाते हैं और वो स्टक हो जाती है उसके ऊपर, बिल्कुल। ठीक है, तो कोई भी वेस्ट नहीं होता और वो यूनिफॉर्मली उस पर स्टक हो जाती है। तो ये थी इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो इसको मैं यहीं रोकता हूँ। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। चलिए, थैंक यू।